प्रभु हमेशा आपका दर्शन हमको हो, ये कामना जीव की रहे। दुख मांगना, कुंती ने दुख मांगा, और भगवान द्वारिका को चले गए। भगवान का द्वारिका में बड़ा ही सत्कार हुआ, और इधर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। पांडवों के अंतिम वारिस, उनके बाद जन्मेजय जी का जन्म हुआ। जन्मेजय अंतिम वारिस है, लेकिन यहाँ पर पंच पांडव जब वन की तरफ प्रस्थान करते हैं तो एकमात्र वारिस परीक्षित महाराज है। पांडव लोग, युधिष्ठिर महाराज का शासन है, द्वापर की बात, द्वापर के अंत की बात है, कलयुग का आरंभ होने जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज के दरबार में एक बार एक व्यक्ति आया, सोने की ईंट लेकर। महाराज, ये लीजिए सोने की ईंट। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, कहां से आई? कहा, हमने घर खरीदा था तो हमको मालूम नहीं, जिससे हमने घर खरीदा वो कहां चले गए, तो हमें दीवारों के ऊपर ऊपर रैक में अलमारी के ऊपर सोने की ईंटें मिली, तो हमने तो घर खरीदा था, सोने की ईंट तो खरीद ही नहीं, इसलिए हम क्यों किसी का ईंट लें, इसलिए आप ही पता लगा के वो सोने की ईंट उसको पहुंचा दो। युधिष्ठिर महाराज बड़े खुश हुए कि मेरे राज्य में अभी भी कली का आगमन नहीं हुआ है। देखो कितने ईमानदार लोग, अब एक महीने बाद वही व्यक्ति दोबारा धमक गया। बोला, एक महीने पहले मैं जो सोने की ईंट आपको दे गया था वो मैंने बाद में हिसाब लगाया, अपने लॉयर से बातचीत मैंने की, वकील से, वो बोलता नहीं नहीं वो ईंट आपकी होती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इसको क्या हो गया, एक महीने पहले कुछ और बोल रहा था, अभी कुछ और बोलता है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कोई हमारे जैसे साधारण व्यक्ति तो नहीं है जो उसके साथ बात विवाद करेंगे। युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि मेरे राज्य में कली का आगमन हो गया है, इसलिए इस व्यक्ति की बुद्धि फिर गई है। विचार किया, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अपनी पत्नी द्रौपदी, चारों भाइयों से कहा, जल्दी से इस राज्य को छोड़ देना चाहिए, और अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा करके युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और पत्नी के साथ स्वर्गाश्रम की तरफ प्रस्थान किया। महाभारत के स्वर्गारोहण की कथा है। आप बद्रीनाथ दर्शन करने जाएं, जब माणा की तरफ जाएंगे तो एक पत्थर के नीचे से अलकनंदा नदी निकल रही है, तो आप पत्थर पर जो अलकनंदा नदी का जो स्रोत है, जिस जहां से पानी निकलता है, उसके ऊपर एक विशाल पत्थर है। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि वहां पर एक कुत्ता पड़ा है, कुत्ते की जांघ में घाव है, घाव में कीड़े पड़ गए हैं। युधिष्ठिर महाराज को कुत्ते को देख करके दया आ गई, अरे हमारे राज्य का प्राणी इतना दुखी, कुत्ते के सड़े हुए घाव में से कीड़ों को निकालने लगे युधिष्ठिर महाराज। एक एक कीड़ा निकालते जाते हैं, पत्थर पर रखते जाते हैं। जब 20-25 कीड़े हो गए, सब कीड़ों ने मिलकर कहा, धर्मराज आप खाली कुत्ते के ही राजा हैं, हमारे नहीं, कुत्ते के दुख की तो बड़ी चिंता है आपको, हमारी कोई चिंता नहीं। सब कीड़ों ने एक आवाज में कहा, आप हमारे मुख से हमारी आजीविका का साधन छीन रहे हैं। हमारी आजीविका का साधन क्या है, हम अपना पेट सड़े हुए मांस से भरते हैं। इस कुत्ते का जो
कि जो जांग सड़ गई है, उसका गला हुआ सड़ा हुआ मांस ही हमारा भोजन है, उसी पर हम जीवित रहते हैं। और आपने हमारे मुख से भोजन छीन करके हमारी आजीविका के साधन को छीना है, इसलिए जैसे कुत्ते की रक्षा के लिए आपके पास व्यवस्था है, हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था है। तब युधिष्ठिर महाराज ने खंजर निकाला, अपनी जंगा को फाड़ा, उसमें नमक डाल करके अपनी जंगा को सड़ा करके कुत्ते की जंगा के जितने कीड़े थे सब अपनी जंगा पर रख दिए, कहा मुझे खाओ। ऐसे युधिष्ठिर इसका तात्पर्य क्या? कभी वो दिन आएगा ऐसे राजा की प्रजा बनेंगे जो राजा कीड़ों की भी सुनता है, जहां कुत्ते की और कीड़ों की पुकार सुनी जाती है, ऐसे राजा के राज्य में कभी हमारा जन्म होगा? हम कितने दुराग्रही, कितने पूर्वजन्म के हमारे बुरे कर्मों का फल है कि आज के ऐसे शासकों के बीच में हमारा जन्म हुआ, जहां जानवरों की तो दूर आदमी की तक नहीं सुनी जाती, ये कोई जीवन है? क्या करना ऐसे जीवन का? अब भजन किया नहीं, जिसके लिए जीवन मिला वो भजन तो कहीं दूर है, और जिस प्रपंच में पड़े उधर भी तो अपनों को न्याय नहीं मिलता है। जिस शासक ने जो संविधान में जो न्याय की व्यवस्था की गई है न्यायपालिका की, क्या प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलता है? इसलिए हमको भागवत सत्संग इसलिए भी करना है कि अगर हमारा पुनर्जन्म, अगर हम भगवतदान न भी गए, अगर वापस दोबारा आना ही पड़ा इस संसार में, कम से कम अच्छे राजा की प्रजा तो बने। मांधाता च महीपति सितजले लंका रघुत गता सेतुरये नमः दधो विरचित क्वासो दशा शंतक अन्ये चापि युधिष्ठर प्रभुतयो याता दिवं भूपते नेके नापि समंगता वसुमती मुंचितया यशति। महाराज भोज ने खत लिखा अपने चाचा मुंशी को, ये पृथ्वी कब प्रसन्न होती है? मांधाता च महीपति, जब मांधाता जैसे ही राजा पैदा हो, ये धरा ये वसुंधरा खुश हो जाती है। सिद्ध जिले अलंकार तो वो उस युग के अलंकार की वसुंधरा भी धन्य हो गई। चेतुर ये नमो दधो विरचित क्वासो दशा शांतक दस सिर वाला रावण जो स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगाना चाहता था, वो भी इस वसुंधरा में पैदा हुआ। तो कुछ ऐसे कर्म हम करें, वो कर्म क्या है? भगवान की भक्ति शरणागति। अगर शरणागति में हमारी कुछ कमी रह भी जाएगी, अगर हमारा अगला जन्म पुनर्जन्म हुआ भी, तो कम से कम अच्छे भगवत भक्त राजाओं की प्रजा हम बनेंगे, तो कुछ न कुछ कल्याण का उपाय मिल सकता है। लेकिन अभी कलिकाल में कोई चांस नहीं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो वैष्णव धर्म है, भक्ति का सनातन धर्म, इस भूमंडल पर 10,000 साल तक चलेगा, उसके बाद ये सब पाखंडी लोग भगवान हो जाएंगे। अभी पाखंडियों की कमी है, सब भगवान हो रहे पाखंडी लोग। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गॉड। ये पाखंडी लोग क्या हैं? गॉड का उल्टा करो, वो है। इसलिए पाखंडियों की भक्ति से बचना चाहते हो, अपनी भावी पीढ़ी को उन पाखंडियों की शरणागति से रोकना चाहते हो, तो इस 10,000 साल के भीतर ही अपने कुटुंब का कल्याण कर डालो।
और साधन है कल्याण का भागवत धर्म। भगवान की कथाएं और हरि नाम संकीर्तन, गुरु वैष्णव का संग, कल्याण हो जाएगा। फिर आगे बढ़े रास्ते में द्रौपदी मर गई, भीम आया, महाराज द्रौपदी मर गई हमारी पत्नी। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, एक एक बात धर्म की करते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते। मर गई भीम, हम तुमको एक बात बताते हैं, द्रौपदी हम पांचों की पत्नी जरूर थी, लेकिन प्यार सबसे ज्यादा अर्जुन को करती थी, इसलिए मर गई। एक एक की बोल खोलते जा रहे हैं। नकुल मर गया, बहुत अभिमान था ना अपने रूप का, बड़ा सुंदर समझता। अर्जुन मर गया, अपने आप को धनुर्धारी समझता, तीरंदाज। भीम भी मर गया, चार भाई मर गए, पत्नी मर गई, युधिष्ठिर महाराज इसी शरीर से स्वर्ग गए। स्वर्ग में जाके क्या देखा कि जो दुराचारी लोग हैं, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब लोग स्वर्ग के सुख का आनंद ले रहे हैं। बहुत खोजबीन की, लेकिन उनके भाई नहीं मिले पांडव लोग। स्वर्ग के अधिकारी को पूछा, हमारे अर्जुन, भीम, द्रौपदी, नकुल, सहदेव कहीं दिखाई नहीं देते। तो अधिकारी ने कहा, इधर नहीं दिखाई देंगे, आपके भाई नरक गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नरक गए, इसका मतलब जो गड़बड़ी नीचे है वो ऊपर भी शुरू हो गई अभी, यानी पृथ्वी में जो अन्याय होता है वो स्वर्ग में भी अभी शुरू हो गया लगता है। नरक में गए, क्यों लाए हमारे भाइयों को? नरक के अधिकारी से पूछा। महाराज, महाभारत की लड़ाई में आपने एक बार झूठ बोला था, तो आपकी थोड़ी सी सजा बाकी रह गई थी, इसलिए उसकी खाना पूर्ति के लिए आपको यहां बुलाया गया। क्योंकि आप बड़े मिनिस्टर हैं, आपको जेल में बंद नहीं कर सकते, नजरबंद रखेंगे, लेकिन फाइव स्टार होटल में। बड़े बड़े मिनिस्टर अरेस्ट किए जाते हैं ना, और कहां अरेस्ट होंगे? फाइव स्टार होटल, छोटी मोटी जेल में नहीं, उसको बोलते हैं हाउस अरेस्ट, होटल अरेस्ट, रेस्ट हाउस अरेस्ट, यानी उधर सब ठाट है, खाली अरेस्ट का अवेलेबल लगा रहे थे। तो आप इतने बड़े महाराज, तो आपको तो हम पकड़ नहीं सकते, इसलिए आपको यहां बुलाने के लिए एक ड्रामा हमने किया कि आप अपने भाइयों की वजह से जरूर आएंगे। क्या अपराध किया? झूठ बोला आपने। अश्वस्थामा मारा गया, किंतु हाथी, महाभारत की लड़ाई में जब द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को परास्त कर दिया, बहुत पांडव पक्ष के बहुत लोग मारे गए, तो पांडवों ने चिंतित होकर के भगवान से कहा, द्रोणाचार्य का बड़ा भारी है भगवान, लगता है हम जीत नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा, षड्यंत्र करना पड़ेगा, अश्वस्थामा को बहुत प्यार करते थे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की बहन कृपी उनका लड़का था, अश्वस्थामा का बचपन बहुत गरीबी में बीता, घर में दूध नहीं था पीने के लिए, तो दूसरे ऋषि कुमार गाय का दूध पीते थे और उसको गिलास दिखाते थे अश्वस्थामा को, ले दूध पिएगा, सामने लाते उसके मुंह पर लगाते फड़क से गिलास, अपनी मां से कहता, सब ऋषि कुमार गाय का दूध पीते हैं, मेरे को गिलास दिखाते हैं, दूध दिखाते हैं, पीने के लिए कहते हैं, जैसे मैं मुंह बढ़ाता हूं गिलास को खींच ले, मेरी इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, तो कृपी क्या करती?
आटा पानी में घोल करके उस पानी को सफेद बना करके गर्म करके अपने बेटे से कहती कि आज तो बहुत स्नेह करते थे और प्रतिज्ञा की कि जब कभी मैं इसके इसका बुरा समाचार सुनूंगा वही मेरी अंतिम घड़ी हो। इसे अस्वस्थामा के दुख को सुन नहीं सकते थे थोड़ा सा और भगवान इस कमजोरी को जानते हैं, इसलिए पांडवों से कहा तुम अस्वस्थामा नाम के घाती को मार दो, हल्ला कर दो। अस्वस्थामा मारा गया, मारा पांडव पक्ष गए। अस्वस्थामा हाथी का नाम, जानवरों के नाम भी जैसे गायों के नाम रख देते हैं लोग, कुत्ते के नाम रख देते हैं। कल बॉम्बे से हमको फोन आया तो हमने कहा कथा सुनने आ रहे हो, बोलता मेरा जैनी बहुत बीमार है। कौन है जैनी? बोलता हमारा कुत्ता। कल से बुखार थोड़ा ठीक है उसका। हमने कहा तुम्हारा जैनी जब ठीक हो जाएगा तभी आना। तो अस्वस्थामा नाम का हाथी मारा, हल्ला कर दिया। द्रोणाचार्य ने बात सुनी तो द्रोणाचार्य गुरु हैं, वो राजनीति के भी हैं, वो जानते हैं कहीं मेरे को मारने के लिए षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। तो भगवान से पूछा द्रोणाचार्य ने, भगवान ने कहा हाँ अस्वस्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। हाँ युधिष्ठिर आके अगर कह देगा तो मैं बात मान। तो युधिष्ठिर महाराज को बुलाया, कहा युधिष्ठिर सचमुच मेरा पुत्र अस्वस्थामा मारा गया? हाँ अस्वस्थामा मारा गया, जोर से बोला अस्वस्थामा ने। द्रोणाचार्य ने अच्छी तरह से सुना, किंतु हाथी मारा गया, किंतु शब्द से पहले भगवान ने शंख बजा दिए, शंखों की ध्वनि से किंतु के आगे का सेंटेंस सुनने में नहीं आया और द्रोणाचार्य मर गए। और युधिष्ठिर महाराज से उस अधिकारी ने कहा आपको बुलाने का अभिप्राय वास्तव में ये महाभारत में बोला हुआ झूठ भी नहीं है, क्योंकि आप सत्यवादी हैं, धर्म के अवतार हैं। ये नरक में जो लोग हजारों सालों से इस नरक की यातना को भुगत रहे हैं, हमने विचार किया कि ये सब लोग अगर आपका दर्शन कर लें तो इनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो सकते हैं। तो आज लाखों करोड़ों नरकवासियों ने आपका दर्शन किया तो आज ये सब पापों से मुक्त हो गए, इससे नरक से इनकी छुट्टी हो जाए। ये बड़ा प्रयोजन है। लेकिन हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने जो झूठ बोला इसकी वजह से उनको नरक नहीं जाना पड़ा। इससे वैष्णव सिद्धांत कुछ और है। वो सिद्धांत ये है कि भगवान परम सत्य हैं, युधिष्ठिर महाराज सिर्फ सत्य हैं। परम सत्य ने सत्य को बुलाया कि हे सत्य युधिष्ठिर झूठ बोलो, तो सत्य युधिष्ठिर परम सत्य को बोला मैं झूठ नहीं बोलता, यानी तुम परम सत्य से भी बड़े हो गए। इसलिए भगवान ने एक दंड स्वरूप या भावी पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए ये अभिनय युधिष्ठिर महाराज से कराया और अपने भाइयों को लेकर स्वर्ग में आए, स्वर्ग के सुख आनंद लिया, पारिजात कल्प वृक्ष नंदन कानन वन सुरभि गाय कामधेनु गाय का दूध सुख का पूरा सुख भोग किया और फिर भगवान के धाम चले गए। इसका मतलब क्या? जो भगवान का भक्त है ऐसा नहीं कि वो भगवान की आराधना करे और संसार के भोगों से अपने को दूर रखे तो उसको भोग नहीं मिलेंगे। जो भगवान का भक्त है वो अपने को नियम आचार विहार में रखते हैं, भोगों की वृत्ति से दूर रखते हैं, भगवान उनकी भी कामना पूरी करते हैं। अगर हम भगवान के लिए यहां उपवास रखेंगे, हम एक दिन नहीं खाएंगे तो स्वर्ग में हजार दिन का हमारा हमारी व्यवस्था होगी भोगों।
तो जो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, उसको संसार के समस्त वैभव मिलते हैं। अगर संसार में प्रभु को वैभव दे देंगे तो वैभव में फंस जाएगा और भजन से दूर हो जाएगा। इससे संसार में भक्तों को वैभव नहीं देते, भजन देते हैं। वैभव शरीर छोड़ने के, स्वर्ग में भक्त वैभव भोगता है और फिर भगवान के नित्य धाम में चला जाता है। ये भगवान की भक्ति का फल है। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना। सुमिरन कर मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना।
कीर्तन बीच में इसलिए नींद आती है। कार्यकाल पूरा करके जा रहे थे और ये अपना कार्यकाल संभालने के लिए आ रहा था कली का, ऐसा वर्णन है पुराणों में। तो तीनों युगों ने कली से पूछा कि तुम्हारा युग तो एकदम खतरनाक है, कले दोष नदी राजन नस्ती एक महान। हमारे जमाने में, हमारे युग में तो फिर भी कुछ धर्म का बोलबाला था, लेकिन तुम्हारे यहां तो बिल्कुल ही अधर्म ही अधर्म। तो कली से पूछा, ऐसी विषम परिस्थिति में तुम कैसे अपना राज्य चलाओगे? तब कली ने कहा, तीनों युगों से तुम लोगों ने मेहनत की होगी, मैं बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से सब शासन चला। एक दृश्य दिखाया ट्रेलर, चार चोरों ने चोरी की, शाम को चोरी का माल लाके पेड़ के नीचे रखा। अब सब बात करते हैं, भैया दिन भर बहुत मेहनत किया लेकिन हिस्सा ईमानदारी से होना चाहिए। अरे भैया, जब तुमने ईमानदारी से कमाया नहीं तो ईमानदारी से बंटवारा कैसे होगा? किया दिन भर चोरी, लोगों के घर फोड़े और बात करते हैं ईमानदारी की? उनका, हाँ भैया हाँ, ईमानदारी से। तो दो चोर बोले, बहुत भूख लग गई, जानवर खाने को नहीं मिला, तभी तो पूंजी हमारे पास है, कुछ खाने पीने का सामान लाओ। तो दो चोर मार्केट में सामान खरीदने के लिए गए, समोसा कचौड़ी गुलाब जामुन। अब रास्ते में बात करते हैं, देखो भाई साहब, हमने दिन भर चोरी किया, माल ज्यादा हाथ लगा नहीं, बहुत कम माल है, चार हिस्सा करेंगे क्या पहुंचेगा, दो हिस्सा करेंगे फिर भी कुछ गुंजाइश है। तो दूसरा बोला, क्या करना चाहिए? उसने कहा, हम पूना के हलवाई के यहाँ, क्या नाम है हलवाई का, दगड़ो हलवाई के यहाँ जाएंगे, हम उधर ही खा लेंगे गर्म गर्म जलेबी समोसा गुलाब जामुन सब, और उनके लिए पॉइजन डाल के ले जाएंगे। आप यहाँ दगड़ो हलवाई हैं, गणपति बिठाते हैं, हमने सुना है करोड़ों रुपया, और जन्माष्टमी में कोई कृष्ण को बिठाता है, जन्माष्टमी के टाइम पर राधा कृष्ण को बिठाना चाहिए, गणपति को हम बिठाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्न कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा क्या, कि हम पकड़े न जाएं, जो भी हम इधर उधर करें
सर्व कार्य सर्वदा सर्व कार्य सर्वदा क्या है? गणपति बोलते हैं दिमाग खराब करता है, चलो राधा कृष्ण को भी बिठाना चाहिए, रामनवमी में सीताराम जी को बिठाना चाहिए, नरसिंह चतुर्दशी में नरसिंह भगवान को बिठाना चाहिए। तो चोर लोग माल लेके आ रहे हैं, इधर ये भी मीटिंग कर रहे हैं, चार हिस्से में कम पहुंचेगा, दो में ज्यादा, क्या करें? जैसे आएंगे हम इधर से गोली चलाएंगे, उसमें बाण होते थे, उनको मार देंगे, तो जो खा पी निकल आए खा पी लेंगे, दो हिस्सा करेंगे, घर चले जाएंगे। इतने में ये खा पी के आए और उधर से उन चोरों ने बाण तैयार किया है और तीर चलाया, दोनों चोरों को मार दिया, और ये जो खाना लाए थे उसमें पॉइजन था, फिर ये खाने लगे गरम गरम, तो चार के चार मर गए, माल उधर का उधर ही पड़ा है। कली का मतलब क्या? कि जिस वस्तु के लिए हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, वो वस्तु यही रह जाती है, लेकिन हमको उसको छोड़ना। भोगं न भूत्वा वयमेव भुक्ता, भोग भोगे नहीं जाते, भोग हमको भोग दे। कोई व्यक्ति कहे हम रोज शराब पीते हैं, हम शराब नहीं पीते, शराब हमको पीती है रोज। कोई कहे हम सिगरेट फूंकते हैं, हम सिगरेट नहीं फूंकते, सिगरेट हमको फूंकते हैं, ये कहो। भोग हम न भुक्ता भाई में वो भुक्ता, भोगे रोग भयम कुले चित भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम गुणे खल भयम काये तद भयम शास्त्रे वाद भयम भले रूप भयम रूपे जराया भयम सर भयम भयान्वितम भुवि नृणांग वैराग्य में वयम। भट्टारी सूत्रों का श्लोक। संसार में जितने भी भोग हैं इनमें रोग है, भोगे रोग भयम, खूब चटवटा खाइए, गोलगप्पे, अचार, क्या पाव भाजी और थोड़ा बटर डाल दो मस्का, क्या होगा? और काम कुछ करना नहीं, एसी चला के सो जाओ, डायबिटीज होगा, तो भोगे रोग भयम। रोड पर भी चलना नहीं, एसी गाड़ी में जाना, एसी रूम में सोना, और खा रहे इतना गरिष्ठ भोजन, खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन हजम किधर होगा? इससे भोगे रोग भयम, जो जितने चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाता है उतने रोगों को निमंत्रण देता है। कुले चुत भयम, परिवार बढ़ जाने पर चुत होने का मतलब दा दरार आने का भय है, 50 आदमी का परिवार हो गया, रोज झगड़े, वो तो तेरा लड़का ऐसा बोला, तुम्हारा पति ऐसा बोला, कुछ न कुछ कहीं, इसे कुले चुत भयम और वित्ते निर्पाल आद भयम, पैसा ज्यादा हो गया इनकम टैक्स वाले धमक जाएंगे, जिसके पास नहीं है वो ऐसे परेशान, जिसके पास है वैसे परेशान। वित्ते निर्पाल आद भयम मौने दैन्य भयम, चुपचाप बैठे रहो, बोलेंगे पागल है कुछ बोलता नहीं, इसे मौने दैन्य भयम मतलब बड़ा गरीब है कुछ जाते। गुणे खल भयम बहुत गुणी हो गए, दुश्मन पैदा हो जाएंगे। भले रिपु भयम बहुत बलशाली हो गए पहलवान, वर्ल्ड चैंपियन हो गए, दूसरा देश का पहलवान आपको चैलेंज करेगा, हमसे कुश्ती लड़ो, कोई चैलेंज सुने नहीं। शास्त्रे वाद भयम, शास्त्र विद्याओं में पारंगत हो गए, दूसरा व्यक्ति बोलेगा हमसे शास्त्रार्थ करो तो हारने का भय है। रूपे जराया भयम, सुंदर रूप भगवान ने दिया, झुर्रिया पड़ने का भय है। जब तक जवान है चेहरा,
अभी देखा, फिर आया, फिर देखा। बुढ़ापे में डरते हैं शीशे से, बुढ़ापे का भय है, बुढ़ापा छुपा हुआ है ना उसको, इससे बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। पितांतस्य दूति जरा कर्ण मूले समागत वस्ती लोका सुनोदम पर स्त्री पर द्रव्य वंशा तजम भजम रमानाथ पादार बिंदम। बुढ़ापे में क्या, बुढ़ापा किसको कहते हैं, पहले बुढ़ापे की परीक्षा सुनो। कीर्तांतस्य दूति जरा कर्ण मूले, यमराज के दूत को बुढ़ापा कहते हैं। जब शरीर में वृद्धावस्था आ जाए, समझ लो यमराज जी का दूत हमारे घर आ गया है निमंत्रण देने। कीर्तांतस्य दूति जरा कर्ण मूले, कान में बोलता है, क्या बोलता है, पर स्त्री पर द्रव्यवान चात जद्धम, ये दूसरे की कुंडली जोड़ाना बंद करो। 10-20 वृद्ध लोग बैठे रहेंगे पार्क में, चर्चा क्या, अरे फलाने की लड़की भी बहुत जवान होगी, हम तो बहुत छोटी दिखी थी, फलाने के नाती के लिए ट्राई करो ना उसको। अरे तुम अपना ट्राई करके पार्क में घूम रहा है, दूसरे को क्यों ऐसे परेशान कर। परस्त्री पड़ते भी वांछा फलाने का, अरे हमारे सामने तो हमारी खटिया के नीचे सोता था, परसों मैंने सिग्नल पे देखा मस्जिद में बैठा हुआ। पर द्रव्यवांछा तजद्धम, तो यमराज का दूत क्या करता है वृद्धावस्था में, छोड़ो ये सब धंधा, कौन सा धंधा करो, भजद्धम रमानाथ पादार बिंदम, चुपचाप भगवान का भजन करो। इसलिए जो भी रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड किसको कहते हैं, जो काम के नहीं, अगर हम काम के होते गवर्नमेंट हमको धक्का मार के निकालती 60 साल में, अभी काम के नहीं हम, इसे जाओ घर जाओ, 500 रुपए दे दिया, मिलेगी घर ही बैठे रहो। और फिर हम रिटायर होने के बाद भजन करना चाहते हैं, जब हम गवर्नमेंट काम के नहीं रहे तो जो सुप्रीम गवर्नमेंट है उसके काम के रहेंगे। बचपन से भजन, 5 साल की अवस्था से भजन होना चाहिए, जवानी में भजन होना चाहिए। वीणा के तार सही कब बजते हैं, आप वीणा के तारों का एकदम टाइट कर दो, सुंदर सुर नहीं आएगा, ढीला करो नहीं आएगा, बीच में रखो। भगवान का भजन कब माना जाएगा, जब आप बहुत पढ़े लिखे जवानी की अवस्था में। भक्तों को ये सब हाईली एजुकेटेड अच्छे घरों से और कोई बूढ़े हैं, सब जवान, इसको कहते हैं भजन। अब भजन सब दुनिया का भोग भोग लिया, प्रॉपर्टी सब बच्चों के नाम कर दी, फोगट में खाने के लिए वृंदावन चले गए। रूपा जी के पास एक बार एक भक्त आए दिल्ली से, कहा मैं इस्कॉन ज्वाइन करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा अभी तक क्या कर रहे थे, बोला हम सरकारी नौकरी में थे, अभी रिटायर हो गए। प्रभुपाद जी ने कहा पैसा अगर कुछ मिला होगा फंड बोनस, हाँ वो हमने पत्नी और बच्चों के नाम कर दिया, तो क्या फोगट में हमारे सर पर बैठने के लिए आ गया इधर, जीवन भर की कमाई पत्नी और लड़के के नाम, फोगट में खाने के लिए हमारे यहाँ, उधर ही जाओ, जवानी में भजन होना है। वो भजन अच्छा, हमारे घर में कोई आए 3 दिन की बासी रोटी पकड़ाओ, क्या बोलेगा, पर तुम्हारे सर में मारे तुम्हें कौन, कोई बासी चीज एक आदमी को भी हम खिलाए खाएगा, तो ये बासी शरीर हम भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान फिर भी दयालु हैं, बोलते चलो चलेगा, दया करके फिर भी सेवा। इसी वृद्धावस्था में जो समझदार बुजुर्ग हैं वो तो कभी भी सांसारिक प्रवृत्ति में नहीं पड़ना चाहिए, होना तो चाहिए अपने बच्चों को भी भजन में लगाओ, सिर्फ संसार प्रपंच भी करना है, बच्चों को अभी तुम करो भैया हमको भजन करने, और जो भी तुम कमाते हो चलाएंगे,
आपस में भिड़ा देंगे लोगों को, हम दूर खड़े रहेंगे। कली के चक्कर में कौन नहीं आएगा? जो भजन करेगा भगवान का, वो चक्कर में नहीं आएगा। अब आगे की कहानी सुनो। परीक्षित महाराज का शासन है पूरे भूमंडल में। रात को विचरण करते हैं महाराज, प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखते हैं, कोई दुखी तो नहीं है। एक दिन अपने राज्य में विचरण कर रहे थे तो एक बड़ा भयानक दृश्य देखा कि एक बैल एक पांव पर खड़ा है, पास में एक गाय है वो भी डरी हुई है, कांप रही है, और उनके पास ही में एक और आदमी खड़ा है, बड़ी बड़ी मूछ वाला, काला, तलवार हाथ पर। संक्षिप्त में बता रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कहा बैल से, अरे आपके तीन पांव किधर गए? तुम एक ही पांव पर खड़े हो। इतने में वृषभ बैल धर्म रूपी बातें करने लगा। कहा महाराज, संत लोग किसी की चुगली नहीं करते। जो भगवान के भक्त हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो कभी भी किसी की शिकायत नहीं करते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे ही पूर्व जन्म का कर्म होगा, इसलिए भुगतना पड़ता। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि श्री प्रभुपाद जी थे, उन्होंने भगवान के प्रचार में इतना संघर्ष किया, इतना, लेकिन बोलते नहीं कि मैंने इतना संघर्ष किया। हम लोग थोड़ा सा संघर्ष करेंगे, 10 जगह नेता लोग ही देखो, एक थोड़ा सा बावड़ी क्या खुदवा दिया, वही मैंने अपने जवान में एक बावड़ी खुदवा दिया, उसमें 2-3 बच्चे गिर गए, फिर उनको निकलवा दिया, पहले उनको गिरा दिया फिर निकाल दिया, ये इनके 5 साल का काम है, इसके 1 साल भी हमको दो, फिर हम बावड़ी में 500 और धक्का मारेंगे, उनको बाहर निकाल देंगे। अगली सत्ता में आएंगे, पूना का नाम पुणे रख देंगे। दूसरा बोला हम गुणे रख देंगे। फालतू बात करते रहते, कोई काम धाम कुछ है नहीं। ये लोग बोलते हैं हमको इनका काम धाम नहीं है, हम बोलते हैं इनको इनका काम धाम नहीं, पता नहीं किसका काम है। तो वृषभ ने कहा जब धर्म रूपी बातें करने लगे तो परीक्षित महाराज समझ के साधारण बैल नहीं है, ये कोई धर्म है, धर्म के अवतार थे, और जो गाय थी वो पृथ्वी के अवतार थे, पृथ्वी गाय का रूप लेके बैठे, और उनके समक्ष जो व्यक्ति था काला बड़े मूंछ वाला वो कली था, उनकी तलवार हाथ में लेकर खड़ा। परीक्षित महाराज ने कहा समझे किसी ने बैल के तीन पांव काटे। आपने इस बैल के तीन पांव क्यों काटे? बोला महाराज, कलिस्तु कलह प्रियम, मेरा गांव को जोड़ना नहीं अलग करना है। कली किसको कहते हैं? बुरे कर्म प्रिय हो, कुकृति प्रिय हो, अनिष्ट प्रिय हो, अनैतिक कार्य प्रिय हो, कहते हैं। इसने कहा कलिस्तु कलह प्रियम, नहीं, अभी मैं यहां का शासक हूं, परीक्षित महाराज, मैं ये काम नहीं होने दूंगा, तुमको दंड दिया जाए। नहीं नहीं भगवान, नियम के अनुसार तीनों योग अपना शासन करके चले गए, अभी हमारी बारी है, तो आप मुझे मेरी पारी से मेरी बारी से। परीक्षित महाराज ने कहा मैं ये अनैतिक कार्य नहीं होने दूंगा, चले जाओ मेरे। बहुत घबरा गया। बोला महाराज कहां जाओ? अगर मैं आपके राज्य से बाहर जाऊं, पूरे भूमंडल में आपका ही राज्य है, मैं जहां भी जाता हूं आपका ही राज्य है। तो निवेदन किया कि आप मुझे अपने ही राज्य में रहने दो, लेकिन कुछ जगह फिक्स कर दो हमारे लिए, आप कुछ स्थान हमारे लिए कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगा और वहां से बाहर में नहीं जाऊंगा।
तब परीक्षित महाराज ने कलि को रहने के लिए इस भूमंडल पर चार स्थान दिए। पहला स्थान द्वितीय क्रीड़ा, जहां जुआ खेला जाता है, कैसीनो, बड़े बड़े होटल है ना, फाइव स्टार सेवन स्टार में जुआ खेला जाता है। पक्षी महाराज ने कहा जहां जुआ खेला जाएगा उनके घर रह सकते। और जुए का मतलब खाली ताश खेलना नहीं है, ये का मतलब क्या, ये सट्टा लगाना, लॉटरी खरीदना, लॉटरी बेचना, ये सब जुए वाले। हमारे देश का सबसे बड़ा जुआ क्या है, क्रिकेट। ये क्रिकेट बहुत बड़ा जुआ है और इसने हमारे अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ये जुआ है, ये कोई तप है, कोई बड़ा भारी रण है, जितना है क्या, सिर्फ गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा, राजस्व मिलता है पैसा, जहां से पैसा मिलता है उसको बढ़ावा दे। क्रिकेट के बराबर जुआ नहीं, इससे क्रिकेट मत देखा करो कभी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन वनडे क्रिकेट होगा छुट्टी ले लेंगे, लेकिन भागवत कथा के लिए देखेंगे देखेंगे, अगर ऑफिस से आ गया तो देखूंगा, और 2020 के लिए पूरा छुट्टी। क्रिकेट जुआ है, सट्टा जुआ है, लॉटरी जुआ है, चैनलों में जो ये प्रोग्राम आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, छप्पर फाड़ के, खप्पर फाड़ के, सब जुआ। अगर आप जीत भी गए तो पैसा आपके अच्छे काम नहीं लगे, क्योंकि गलत मार्ग से, गलत दृष्टिकोण से आपने कमाया। इसलिए गरीब से कहा परीक्षित महाराज ने, जिधर चैनलों में करोड़ रुपया जीत के ना इनके घर घुस जाओ, क्रिकेट वालों के यहां चले जाओ। अभी चल रहा नहीं क्रिकेट का, एक ने त्याग पत्र दे दिया। युवा सट्टा जहां होता हो जैसे, दूसरा स्थान दिया जहां शराब पी जाती है, मद्यपान, शराब अंगूर और सेव की बनती है, अंगूर का जूस पियो, सेव का पियो। शराब कब हुई, उसमें अल्कोहल डाल देते हैं शराब में। ये तो मैं आपको बता रहा हूं जो उच्च क्वालिटी की शराब है, जो बेस्ट क्वालिटी, जो बड़े बड़े अफसर धनाढ्य लोग पीते हैं, ये उसकी क्वालिटी बता रहा हूं। अब नीचे की क्वालिटी देखो, नीचे की क्वालिटी क्या है, ये शराब जंगलों में झाड़ियों के अंदर बनाई जाती है, जौ गुड़, गुड़ भी ऐसा कि जो बैल भी न खाए, वो गुड़ इसमें डाला जाता है, आधी रात में बनाते हैं भट्टी को झाड़ी के नीचे। और जो आदमी दारू बनाता है, अगर उसको कभी बाथरूम वगैरह जाना हो तो क्या झाड़ी से दूर जाएगा, रात को उधर ही बाथरूम करेगा, उसको थूकना होगा अंधेरे में, क्या मरने के लिए दूर जाएगा, उसमें थूकेगा तो अब बाद में सुंदर घोट घाट करके दे दो। अगर मिट्टी की डेली की तरह है और इतना खतरनाक होता है, तेजाब से भी खतरनाक, आप नौशादर की गट्टी पर हाथ। अच्छा, शराब पीने वाले आदमी का मुंह आपने देखा, बोतल में रखो पियो, उसका मुंह देखो, फोटो खींचो उस वक्त। दूध पीने वाले का मुंह देखो, जूस पीने वाले का देखो, और दारू पीने वाले का देखो, पूरा पिएगा मुंह एकदम चूहे की तरह सिकुड़ जाएगा। बोलेगा थोड़ा सलाद सलाद ला, दारू पीना पाप है, फल खाइए, सेब का जूस पीजिए, अंगूर का जूस पियो, दूध पियो, दारू पियो। इसे कड़ी से कहा, जितने भी बियर बार हैं उनके यहाँ, पीने वालों के यहाँ, उनके यहाँ
बनाने वालों के यहाँ, सबके यहाँ रह सकते हो, जाओ। जो व्यक्ति दारू का धंधा करता है, करोड़ रुपया कमा ले, लेकिन सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कली का वास है। युद्ध कीड़ा, मद्यपान, पशुवध जहां जहां होता हो, जहां हिंसा होगी वहां रह सकते हो। जो लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, परिचित महाराज ने कहा उनके घर में रहो, किचन में बैठा करो, वो तो बाद में खाते हैं, तुम पहले खाया करो, बाद में उनको खाया करो। बकरी पाती खाते हैं ताकी चीची खाल, लेकिन जो नर बकरी खाते है ताको कौन हवाल। बकरी बेचारी घास खाई, उसकी मुंडी झाड़ दिया, जो उसकी मुंडी खा गया उसका क्या झाड़ है बताओ। हिंसा, किसी की हत्या करना वहां पाप है। जिनका मांस हम खाते हैं, जिसका मांस हमारे घर में आता है, वो कभी न कभी हमारे परिवार के कोई सदस्य रहे होंगे, ऐसा भी वर्णन। एक बार नारद ऋषि या अंगिरा ऋषि कहीं जा रहे थे, तो एक जंगल में इस कस्बे में देखा, गांव में, कि गडरिया बहुत सारी बकरियां लेके जा रहा है, हजारों बकरियां। उन बकरियों के झुंड में एक बकरा था, तो बकरा ने क्या किया, झुंड में से अलग होकर के एक कस्बे में परचून की दुकान थी, अपनी दुकान में गया और जाके बासमती राइस की जो बोरी थी उसमें मुंह मार दिया। अंगिरा ऋषि, नारद ये सब दृश्य देख रहे, तो मुंह मारा और मुंह मार के सीधे भाग अपने झुंड में आ गया। इतने में दुकानदार पीछे पीछे से आया, बोला बताओ ये बकरे के दाम कितना। तो क्यों, बोला हमारा बासमती राइस खा गया करीब 200 ग्राम, मैं इसकी खाल उतार दूंगा, बासमती राइस इतना महंगा, 200 ग्राम खाल, अब कैसे वसूली करूं, मैं चाहता हूं मैं इसको खरीदूं, काटूं, इसका मांस बेचूं और वसूल ब्याज के साथ वसूली करूं। बकरा खरीद करके ले गया। इतने में नारद जी हंसने लगे। अंगिरा ऋषि ने कहा क्यों हंसे, कहा देखो तो सही ये दृश्य, हंसने का ही तो है। तब नारद जी ने अंगिरा ऋषि से कहा, ये जो बकरा अभी परचून की दुकान में गया और बासमती राइस थोड़ा राइस बोरी में से निकाल के लाया, वास्तव में ये बकरा 2 साल पहले इस मकान का मालिक था, 2-3 साल पहले इसकी मृत्यु हुई, यही यहाँ का मालिक है परचून की दुकान। ये बेचारा मरते वक्त बड़ी चिंता करता था, मेरी दुकान कैसी चलेगी, मेरी बात कैसे चलेगी, एक टेंशन में मर गया, बकरा बन गया। अभी इधर से जा रहा था तो इसको अपनी दुकान नजर आई, तो सोचा कि मेरा बेटा ठीक दुकान चला रहा है नहीं चला रहा है, कहीं देहरादूनी बासमती बता करके कचड़े का बासमती तो नहीं बेच रहा है, इसे टेस्ट करने लगा। बासमती की बोरी में उत्तम क्वालिटी का बासमती राइस, वो बोलता है पेशावर ब्रांड, कोई बोलता है पंजाब ब्रांड, पंजाब ब्रांड भी राइस होता है, राइस तो एक ही ब्रांड होता है। अब गाय का घी देख लो, वो बोलता हमारा घी खरीदो एकदम शुद्ध, शुद्ध मतलब हमने उसमें ऐसी मिलावट करके रखी आप ढूंढ नहीं पाओगे। असली घी वालों ने तो हद कर दिया भैया, खुशबू नहीं घी के अंदर। तो वो हमारे कोई ना कोई रिश्तेदार होते हैं, हो सकता है जिसका मांस हमने खाया हो, कभी हमारा पितर रहा हो तो हमने अपने पितर का मुंडी झाड़ के खाया, नहीं खाया, बंबईया भाषा में बात कर रहे हैं, इससे मांस खाना महापाप है। दूसरा,
हमको मारने का किसी को अधिकार नहीं, जब तक हम उसको जीवित करने का अधिकार नहीं रख सकते किसी को मारने का अधिकार हमको नहीं। अंगुलीमाल नाम का एक डाकू एक बार महात्मा बुद्ध के गए अंगुलीमाल के पास, ऐसा वर्ड अंगुलीमाल बोला मेरे पास मत आओ मार डालूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा मार डालेगा तो मार डालो। चले गए उसके पास, कहा हमको भिक्षा दो। अंगुलीमाल ने कहा क्या भिक्षा दो, भूतों से भी पूत मांगता है, दुनिया वालों को हम लूटते हैं, हमसे भिक्षा मांगते हो? कहा कुछ ही भिक्षा दे दे। तो अंगुलीमाल पेड़ के नीचे बैठा था, उसने पेड़ का बुद्ध ने कहा मुझे पेड़ का एक पत्ता दे दे। तो उसने कहा पत्ता क्या, मैं टहनी काट के दे दूंगा, तलवार से टहनी काट। भगवान बुद्ध ने कहा हमने तुमसे पत्ता मांगा था टहनी नहीं। उसने कहा मैंने जो देना था दे दिया। बुद्ध ने कहा तुमने पूरी टहनी कैसे काट दी, पूरी पेड़ की टहनी तोड़ दी तुमने। उसने कहा तोड़ना था, हमारी मर्जी, तोड़ दिया। बुद्ध बोले तुम इस टहनी को दोबारा जोड़ सकते हो? उसने कहा जोड़ने का काम मेरा नहीं, जो चीज टूट गई वो जोड़ नहीं सकती। तो बुद्ध ने कहा जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकता उसको तोड़ कैसे सकता है? तो गौतम बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने फटकारा, तो भक्त बन गया बाद में भिक्षुक। हमको मांस खाने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी साइंस के हिसाब से हमारे इस्कॉन में श्री प्रभुपाद जी ने, उनके भक्तों ने किताब निकाली है, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, हायर टेस्ट की किताब। हमें सब किस लिए खाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिले, हम अच्छे तंदुरुस्त रहें। लेकिन गोश्त में कोई प्रोटीन थोड़ी होता है। सोयाबीन की बड़ी आती है, मैं बढ़िया भी बड़ी महंगी हो गई, पहले 10 रुपए किलो आती थी, आजकल 200 रुपए किलो हो गई। पैकेट वाली और महंगी हो गई, बोरे वाली थोड़ा सस्ती है, लेकिन बोरे वाली बड़ी लोग है उसमें मिट्टी का तेल डाल लेते हैं लोग, क्योंकि बोरी को ऐसी जगह रखेंगे जहां मिट्टी के तेल का टिन पड़ा रहता है, तो निकालते रहते हो गिरते रहते। सोयाबीन की बड़ी में 200-300 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है नॉनवेज। आप शेर को बोलो मटन मत खाओ, बर्फी खाओ, काजू कतरी खाएगा? सुअर का पिट्टी बनाया मल खाने के लिए, आप सुअर को बोलो सुअर महाराज मल खाना बंद करो, काजू कतरी खाया करो, हम तुम्हारे लिए रोज मेवे की मिठाई लाएंगे, गाजर का हलवा खाओ। सुअर बोलेगा ये तुम खाओ, हमको पसंद है। आप 2000 रुपए किलो में मिठाई लाएंगे, स्वर लात मार के फेंक देगा मिठाई, वो बोलेगा हमारे लिए दूसरी मिठाई थी। वृत्ति है, हर जानवर भी अपनी वृत्ति पर कायम है। गाय जानवर ये बैल सब घास खाते हैं, उनका गोश्त लाके दीजिए खाएंगे। लेकिन एक मनुष्य ऐसी वृत्ति है, उधर भी हाथ मार जाएगा इधर भी हाथ मार, कोई नियम ही नहीं। कभी लंबे दांत वाला, कभी गोल दांत वाला, कभी जीभ से पानी पीने वाला, कभी मुंह से। वास्तव में हमारा वास्तविक परिचय क्या है, हम सब शाकाहारी वृत्ति। जो मांसाहारी लोग हैं इनके दांत जल्दी टूट जाते हैं, जितने भी लोग मांस खाते हैं इनके सब के नकली दांत होंगे, और जो शाकाहारी उनके दांत मजबूत रहते हैं। अभी हम हरिद्वार कुंभ में देखा 129 साल के एक वैष्णव है बनारस के, तो उनका एक दांत भी टूटा हुआ नहीं, आंखों में चश्मा नहीं, एक बाल काला सफेद नहीं, प्रसन्न चित। तो बोर्ड पे लिखा था रोग मुक्त शोक मुक्त प्रसन्न चित महात्मा के दर्शन करिए विदाउट एनी टिकट, यानी प्रवेश फ्री है। कुंभ माए शाकाहार, इससे शाकाहारी बनिए, और शाकाहारी भी भगवान को भोग लगा के खाइए। खाली शाकाहारी बनने से भी कल्याण नहीं होगा, अगर इससे कल्याण होने वाला होता तो बंदर भी शाकाहारी होता है।
तो बंदर का कल्याण हो जाता है। साकार होने पर भी जो भी साकार हम बनाते हैं, प्रभु को तुलसी पत्ता देके भोग लगाओ तब खाओ तब कल्याण। लेकिन कई ऐसे निकम्मे लोग हैं, बोलते हैं भगवान को भोग ही लगाना है तो दारू ही भोग लगा देंगे, मुर्गे की टांग ही भोग लगा देंगे। भोग लगाने की बात है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमी भक्त्या प्रेच्छति, भगवान ने गीता में कहा जो भी खाते हो पाते हो पहले हमको पूछा करो। तो कई सहजिया लोग भी ऐसे हैं, विशेषकर बंगाल क्षेत्र में ऐसे सहजिया मिलेंगे जो बोलेंगे हम मच्छी भी खाएंगे दारू भी पिएंगे लेकिन भजन भी करेंगे। इसको सहजिया वृत्ति कहते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करता। इससे प्रभु को भोग लगा करके चौथा बताया, जहां वैश्यावृत्ति होती हो वहां रह सकते हो। जो व्यक्ति पराई स्त्री का संग करे, अपनी स्त्री है, माता पिता की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से हमको सुंदर पत्नी मिली, अग्नि के सामने फेरे लगाए, मंत्रोच्चारण हुआ, वही हमारी अर्धांगिनी है, बाकी सब हमारी माँ बहने हैं। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी, इनही कुदृष्टि बिलो कहीं जोई तिनके बध कछु पापन होई। बाली से कहते हैं भगवान, बाली ने पूछा भगवान को क्यों मारा मुझे, कारण कवन नाथ मोहे मारा समदर्शी है नाम तुम्हारा। समदर्शी है नाम तुम्हारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मेरा भाई प्यारा हो गया, मैं बैरी हो गया, क्या बिगाड़ा मैंने आप, क्या आपकी पत्नी को ले गया था मैं, आपका कुछ खाया मैंने। भगवान ने कहा हम समस्त भूमंडल के सम्राट हैं, तुम हमारी प्रजा में आते हो, तुम्हारा तुम क्या अपराध करते हो, तुमको दंडित करने का हमको अधिकार है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी बेटी बहन, इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसके वध करने पर पाप नहीं होता। अब कोई कहे हमारी बहन पर फलाना आदमी गलत दृष्टि डाल रहा था, मैं उसकी आंख फोड़ दूंगा, क्योंकि भगवान ने कहा है अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी। आंख फोड़ने का अधिकार किसको है, जिसकी अपनी आंख ठीक हो। हम दूसरे की माँ बहन पर गलत नजर डालेंगे और हमारी माँ बहन पर कोई डालेगा उसकी आंख हम फोड़ देंगे, हमारा कौन फोड़ेगा। यानी हम किसी को भी नजर डाल सकते हैं और हमारी बहू बेटी पर डालेगा आंख फोड़ दूंगा, तो हमारी आंख फोड़ने की भी तो व्यवस्था होगी ना, इसलिए अपनी नजर से डरो। हम अपना दोस्त तो देखते नहीं दूसरे को, अरे अपना भी तो देखो। भगवान कभी कुदृष्टि नहीं देखते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनको अधिकार है बाली कुमार हमको प्रेरणा कर दे रहे हैं, मर्यादा सिखा रहे हैं, तुम भी ऐसा हो। इसलिए वैश्यावृत्ति जहां होती हो और स्त्री गमन वहां रह सकते हो। वैश्यावृत्ति का मतलब ये नहीं कि कोई अपने शरीर का दुरुपयोग करे, अपनी बहू बेटियों को चैनल में डांस में ले जाना, ये क्या वैश्यावृत्ति नहीं है। पुराने चैनल वालों ने सुंदरता का प्रोग्राम रखा है, मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा, फिर मिस मुंबई हो जाएगी, मिस पुणे हो जाएगी, मिस इंडिया हो जाएगी, मिस यूनिवर्स हो जाएगी, क्या ये वैश्यावृत्ति में नहीं आता। हमारी बेटी हमारी बहू हमारे घर की इज्जत है, वो जो सुंदर है वो सुंदरता आई कहां से, सीता रानी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से सुंदरता मिली है। तो जिसने सुंदरता दी है उसके प्रति सुंदरता समर्पित करें या इन चीलों को समर्पित करें। जो मांस के व्यापारी हैं, चील को देखा
मरा हुआ कोई जानवर रहते रहेगी ऊपर से, कम मरेगा कम मरेगा। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं हम सुंदर हैं प्रभु की कृपा से, क्योंकि भगवान सुंदर है, उनकी कृपा से हमको सुंदर रूप मिला है। भगवान के आगे तो कभी नाचते नहीं, जो कुदृष्टि वाले लोग हैं उनके आगे हम तमाशा करते हैं शरीर। फिर बोलेंगे वाह मेरी लड़की ने पूरी दुनिया में नाम कमाया। अरे किसमें कमाया, भजन में कमाया क्या? ये कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। भगवान ऐसा दंड देंगे, इतना सुंदर शरीर मैंने दिया भजन करने के लिए और दुरुपयोग किया इसका, अगले जन्म में कुरूप बना देंगे। सुंदर मुंह दिया, सुंदर आवाज दी, मेरा कीर्तन करता नहीं फिल्मी गाने बहुत गाता है, गूंगा बना देंगे भगवान। सुंदर वाणी दी कीर्तन करने के लिए, हमारा भजन कभी हरे कृष्ण महामंत्र बोला नहीं और फिल्मी गाने गाते रहते। भगवान की सत्ता का उनकी कृपा का दुरुपयोग है, इससे दंड मिलेगा, सदुपयोग करना है उसका। चाणक्य पंडित कहते हैं ये जो मृदंग है ना, ये मृदंग को आप फिल्मी गाने में बजाओ और कीर्तन में बजाओ, दोनों में ट्यून अलग अलग होती है। आप कीर्तन में बजाइए, भगवान का कीर्तन करिए, मृदंग बजाइए, सुंदर मृदंग बजता है। इसी मृदंग को आप कीर्तन से उल्टा, कीर्तन का उल्टा क्या है? नर्तकी। नर्तकी मतलब सांसारिक गाने। सांसारिक गाने में जब मृदंग बजता है तो क्या बोलता है बजाने वाले को? दिक्तान 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 कथयति कृतमस्तु मृदंग। अरे बजाने वाले धिक्कार है तुझे, मुझको कीर्तन में तुझको बजाना चाहिए था, नर्तकी में बजा दिया। तीन बार बोलता है धिक्कार है, बजा के दिखाओ, धिक्कार है धिक्कार। इसलिए नर्तकी का मैं नहीं बजाना, नर्तकी का सीधा करो कीर्तन में बजाना। इससे जहां वैश्यावृत्ति होती हो, देह की नुमाइश होती हो, बहु बेटियों को ये लोग नुमाइश के लिए भेजते हो, उनके घर में कली तुम रह सकते हो, हमको बोलने में कोई डर नहीं है। जैसे किसी को, हमको भी अधिकार है बोलने का, हमारे पास संविधान है भागवत, श्री व्यास देव जी सुखदेव गोस्वामी हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने हमको अधिकार दिए हैं बोलने का, बोल सकते हैं। इसलिए जहां वैश्यावृत्ति होती है, देह व्यापार होता है, वहां रह सकते हो। एक जगह और दे दो महाराज, एक कम पड़ रही है जगह। परिचित महाराज वैश्य हैं, दयालु हैं, एक जगह रहने के लिए और दी तो ऐसा वर्णन है, कहा कि जहां सोना होगा वहां रह सकते हो। सोने का मतलब सिर्फ स्वर्ण से नहीं है, सोने का मतलब है अनीति से जो पैसा कमाया गया, छल कपट से जो संपत्ति इकट्ठी की गई हो उसको भी स्वर्ण कहते। सोने में भी प्रभु का वास है, कली का वास है। कौन से सोने में? जो सोना भगवान की कृपा सेवा में नहीं लगता। सेवा में लगने का मतलब, हमारी पत्नी ने हमसे कहा कि हमको 10 तोले का हार हो, अब कली में सोने का वास है तो कली के वास को कैसे रोकेंगे आप? तो ये विचार करो, मैं जब अपनी पत्नी के लिए 10 तोले का हार बना सकता हूं तो जिनकी कृपा से मेरे पास संपत्ति आई उनके लिए भी तो कुछ बनाऊं। अगर आपने इस विचार से हार बनाया तो कली का वास नहीं हो। लेकिन खाली अपनी राधा रानी के लिए बनाया, जो असली राधा रानी है उसके लिए नहीं बनाया, तड़म से धमक जाएगा। कैसे धमकेगा? हमारी पत्नी शादी में जा रही है, हार बार बार, मोटरसाइकिल वाले आएंगे धम, कली खुद ही थोड़ी आएगा तलवार लेके, मोटरसाइकिल में भी आ सकता है, चिल्लाते रहो मेरा हार ले गया जाओ पकड़ लो।
भगवान को दिखा चढ़ाते तो अगर ऐसा ना भी कर सको, मैं ठीक है, नहीं है हमारी श्रद्धा, अपने लिए हार बनाओ। प्रत्येक सोने के हार में तुलसी का वास होना चाहिए। विशेषकर गुजराती, सिंधी और मारवाड़ी वर्ग के जो सदग्रस्त हैं, उनमें ये मैंने वृत्ति देखी है कि उनके हर जेवर में बीच में कहीं ना कहीं तुलसी। तो तुलसी के आने से कली का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आम कथा ये है कि जैसे ही परीक्षित महाराज ने कहा तुम स्वर्ण में रह सकते हो, तो स्वर्ण में महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था तो उस पर कली चढ़ गया, ये आम कथा है। लेकिन इसका जो हमारा गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है दूसरा। अच्छा एक बात बताइए, जिस जीव ने अपनी मां की गर्भ में पेट में भगवान का दर्शन किया हो, ऐसे परीक्षित महाराज के मस्तक पर कभी कली चढ़ सकता है? परीक्षित महाराज पर कली का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। कई कथाकार ये भी कथा करते हैं कि जो अवैध रूप से कमाया गया सोना है, बुरी नीति से कमाया गया है, छल कपट से कमाया गया है, उसमें कली का वास है। तो किसी ने प्रश्न किया, क्या उस दिन परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था, क्या वो छल कपट का था? तो इसमें एक वर्णन यह भी मिलता है एक जगह कि उस दिन परीक्षित महाराज जो मुकुट पहना था, वास्तव में वो छल कपट का था। जब जरासंध को मारने के लिए भगवान अर्जुन और भीम तीनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया और जरासंध को मारा, तो जरासंध का मुकुट वो था कुछ दिन खजाना। तो महाराज पश्चिम जब उस दिन भ्रमण करने के लिए गए तो अपने खजाने में से जहां सोना मुकुट रखने की व्यवस्था थी, तो जल्दीबाजी में उस दिन जरासंध वाला मुकुट पहन के चले। चिना हुआ मुकुट है ना, तो यहीं पर यह सभी वर्णन है कि जरासंध वाले मुकुट पर कली चढ़ गया। लेकिन वैष्णव सिद्धांत जो गौड़ी सिद्धांत है वो इन बातों को स्वीकार नहीं करता। यहां पर बात क्या है असली, महाराज ने कहा कि तुम स्वर्ण में रह सकते हो और तुरंत अपने महल की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में बहुत प्यास लगी, समीप ऋषि का आश्रम पड़ता था, राजा को पानी की प्यास लगी, मुनि के आश्रम में गए, कहा मुनि राज पानी पिलाओ, मुनि समाधि में है उठे नहीं, गुस्सा आया, पास में झाड़ी पर एक मरा हुआ सर्प गिरा था, सर्प उठा करके समीप ऋषि के गले में डाला। इतने श्रृंगी ऋषि आया, 5 साल का बालक, और श्राप दे दिया, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है वो आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन के उसको काट लिया। यहाँ पर विश्वनाथ चकती ठाकुर कहते हैं हमारे समाचार्य कि परीक्षित महाराज के मुकुट में कली नहीं चढ़ा है, कली चढ़ा है श्रृंगी ऋषि के मस्तक पर। क्योंकि क्रोध तामस का परिचायक है, जहां तामस होगा वहां कली का वास होगा। और इसका दूसरा कारण यह है, भगवान ये चाहते हैं कि भागवत धर्म का प्रचार हो इस भूमंडल में, तो कोई ऐसा निमित्त उनको चाहिए, कोई बहाना कि किस बहाने में इस भूमंडल में जीवों के कल्याण के लिए इस भागवत धर्म को स्थापित करूं, ये भागवत ग्रंथ को मैं भेजूं। इसलिए परीक्षित महाराज भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, उनको अभिनय करने के लिए कहा। इसलिए ऐसा भी वर्णन है, श्रृंगी ऋषि की जीवा पर स्वयं भगवान बैठ गए और भगवान ने यह श्राप उनको दिलवाया। क्योंकि जैसे ही परीक्षित को वो सर्प तक्षक बन के काटेगा, भावी पीढ़ी को ये काल रूपी सर्प काटेगा, तो इनको कौन बचाएगा? हमको भी तो सर्प काटेगा ना, काल रूपी सर्प हमारे पीछे पड़ा है, एक ना एक दिन जरूर हमको डसेगा। तो कैसे हम काल रूपी सर्प से बचें, उस बचने के लिए ये भागवत धर्म बताए कि भागवत की कथाओं का श्रवण हम लोग करें। इससे परीक्षित महाराज को मुद्दा बनाया और उद्देश्य क्या है कि भावी
प्राणियों में, जगत के लोगों में ये भागवत धर्म स्थापित हो, लोग भागवत कथा सुने, करें, सेवा करें, उसके अनुसार आचरण करें और वो काल रूपी सर्प से बच जाए। इससे परीक्षित महाराज से प्रभु ये अभिनय करा रहे हैं। समीर ऋषि योगी हैं, श्रृंगी भी योगी का लड़का और परीक्षित महाराज बहुत बड़े वैष्णव हैं। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि कृष्ण भक्त निष्काम भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भगवान का भक्त हमेशा शांत होता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ये शुद्ध पुरुष, योगी जन, मुक्त पुरुष, भुक्ति मुक्ति भोगी, ये सब अशांत। परीक्षित महाराज में सामर्थ्य है, वो श्रृंगी ऋषि के श्राप को काट सकते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा को जान करके कि प्रभु की इसके इस कोई इच्छा है, प्रेरणा है, प्रभु कुछ मुझसे करवाना चाहते हैं, मुझको माध्यम बनाना चाहते हैं, इससे परीक्षित महाराज ने 5 साल के बालक का श्राप स्वीकार कर लिया और अपने महल में गए, मुकुट नीचे उतारा, तुरंत ध्यान आया, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैं पांडव वंश का वारिस, साधुओं की रक्षा करने वाला, आज मैंने समय ऋषि गले में मृतक सर्प डाल दिया। इतने में समय ऋषि अपनी समाधि से जागे, बच्चे से सारा वृत्तांत सुना और अपने शिष्य से कहा, कहीं वर्णन है कि खुद गए और कहीं अपने कहते हैं कि अपने शिष्य को भेजा और कहा कि तुम परीक्षित महाराज को सूचना दो कि उनके जीवन के 7 दिन शेष रह गए हैं, इन 7 दिनों में अपने परलोक की तैयारी कर ले। तो इतने में शिष्य गया और शिष्य ने संदेश दिया, परीक्षित महाराज ने कहा वो ऋषि ने जो मुझे 7 दिन जीने का श्राप दिया, 7 दिन बाद मरने का जो श्राप दिया, अच्छा नहीं किया, मैंने जो आज अपराध किया है मुझे 7 सेकंड जीने का अधिकार नहीं, मैं मर जाऊं, वज्रघात हो जाए, मेरा सर फट जाए, ये कुकृत्य मैंने आज किया। वैसा है ना, और कहा कि अपनी तैयारी करो, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज स्तन सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि, गोलोक वृंदावन में राधा रानी के पास एक तोता है, तो राधा रानी तोते से कहती है जाओ हमारे संदेश कृष्ण को सुना दो। तोता उड़ के जाता है, कृष्ण को संदेश देता है, भगवान कृष्ण संदेश भेजते हैं, राधा रानी को देते हैं, संदेशों का आदान प्रदान करता है तोता, कहाँ, गोलोक वृंदावन। राधा रानी ने तोते को अपनी हथेली में रख करके, राधा रानी तोते को बहुत प्यार करती, कहा हे तोते तुम भूमंडल में जाकर के इस भागवत धर्म का प्रचार करो। तो राधा रानी की हथेली से उड़ा और इस भूमंडल पर आ गया, एक पक्षिणी के गर्भ से उसका जन्म हुआ। एक पक्षिणी ने अंडा दिया और अंडा कहाँ गिरा, अंबरनाथ में, जहाँ अंबरनाथ में भगवान शंकर की गुफा है। तुम भूमंडल में जाकर के इस भागवत धर्म का प्रचार करो। तो राजा रानी की हथेली से उड़ा और इस भूमंडल पर आ गया, एक पक्षिणी के गर्भ से उसका जन्म हुआ। एक पक्षिणी ने अंडा दिया और अंडा कहाँ गिरा, अंबरनाथ में, जहाँ अंबरनाथ में भगवान शंकर की गुफा है। भगवान शंकर समाधि में थे, पार्वती जी अकेली हैं कुटिया में, नारद जी का आगमन हुआ, पार्वती जी ने प्रणाम किया, पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती हैं और नारद जी पार्वती जी को माता जी मानते हैं। कहा बहुत दिनों बाद आए,
अभी मैं कहीं जाता नहीं, माहौल बहुत खराब हो गया है बाहर, अपना भजन करता हूं, बैठा रहता हूं। आज मेरा मूड हुआ, मैंने कहा चलो शंकर जी का दर्शन, बैठिए। स्त्रियों की आदत है, मां बहनों की, अपने घर के हालचाल बिना पूछे सुनाने लगेंगे, पूछने की जरूरत नहीं, टेप रिकॉर्ड प्ले हो जाएगा शुरू। पार्वती जी ने कहा, गुरुदेव हमारे जो महादेव जी है ना, हमको बहुत प्यार करते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छी बात है, हर पति को अपनी पत्नियों को प्यार करना चाहिए। मैं भी महादेव जी को बहुत प्यार करती हूँ, अच्छी बात है। अच्छा, मैं कुछ छुपाती नहीं उनसे, मैं सब अपने पतिदेव को बता देती हूँ। अच्छा, मेरे पति जो महादेव है ना, वो भी सब बता देते हैं। सुबह से शाम तक क्या घटना घटी, पूरे दिन का समाचार हमको रात को मिल जाता है। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। इतने में नारद जी ने कहा, अच्छा सब बताते हैं तुमको, हाँ कुछ नहीं छुपाते। अच्छा ये बताओ, आपके पति महादेव जी के गले में जो नरमुंडों की माला है, वो खोपड़ी किसकी है, कभी बताया? पार्वती ने कहा, ये नहीं बताया। अरे नारद जी ने कहा, जो गले में लटक रहा है सामने, वो तो बताया नहीं, तुम बोलती है मन की सब बात बता देते हैं। जो सामने लटक रहा है वो तो बताया नहीं, और अंदर का बताया नहीं, बताया सच बताया झूठ बताया, कैसे कैसे मान लिया तुमने? ओ आपने मेरी आंखें खोल दी। नारद जी का काम क्या है? नारद जी जितने भी लोगों के घर गए, किसी के घर बसे नहीं, उजड़ गए। एक आदमी ऐसा बताओ जो नारद जी को मिला हो और अपने माँ बाप के घर गया हो, सब जंगल चले गए कमंडल लेकर। लेकिन नारद जी की विशेषता क्या है? ना नारद का संधि विच्छेद करो, ना रद्द, जिसकी बात को ब्रह्म भी रद्द न कर सके उसको नारद। अगर नारद जी बोल देंगे अपना आदमी है, इसका ख्याल रखना है, भगवान को रखना पड़ेगा उसका। नारद जी के चक्कर में जो गया हो और उसको भगवान न मिले हो, ऐसा व्यक्ति बताओ। सब नारद जी की बात मानते हैं, कोई रद्द नहीं करता। नारद जी ने पार्वती जी के मन में संशय उत्पन्न कर दिया, बहुत गुस्सा हो गई। नारद जी ने कहा, मेरा काम हो गया, मैं अब चलता हूं, फिर मिलूंगा, और कुटिया से बाहर जाने लगे। इतने में भगवान शंकर समाधि से लौट रहे थे, तो नारद जी ने प्रणाम किया, कहा महादेव जी आपको माता जी बहुत जल्दी बुला रही हैं। भगवान शंकर ने कहा, जरूर बुला रही होंगी, क्योंकि आप वहां से आ रहे हो। तो इसमें कहने की क्या जरूरत है, जिसके घर आप गए हो तो उसकी पत्नी जरूर ही बुला रही होगी। इतने भगवान शंकर गए तो एकदम गुस्सा होके बैठी है, मुंह लटकाए ऐसे कोने में मुंह। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय क्या हुआ, बात ही नहीं करती। बहुत मनाने पे बोली, बहुत झूठ बोलते हैं आप, मैं तो समझती थी सब हमको बता देते हो। अरे हुआ क्या, क्या नहीं बताया हमने तुमको? अच्छा बताओ, ये जो गले में तुमने नरमुंडों की माला लटका रखी है, किस किस के साथ लटका रखे हैं, बताओ मेरे को। तब भगवान शंकर ने कहा, हे प्रिय, हे देवी, तुम हर युग में तुम अवतार लेती हो और लीला करती हो, तुम सती बनती हो, दक्ष प्रजापति की बेटी, उनके यज्ञ में जाती हो, योगाग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर देती हो, और जब तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाता है तो तुम्हारे एक सर को उठा करके मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक सर नहीं रह सकता। इससे जितने भी ये सर हैं, ये सब तुम्हारे सर हैं,
तुम इतनी बार लीला कर चुकी हो और ये सब लीलाओं के सर मेरे गले में सज गए। बहुत खुश हो गए सचमुच, आप मुझे इतना प्यार करते हो, बहुत प्रसन्न हो गई। भगवान शंकर ने कहा, और कुछ चाहिए तुम्हें? तुम जो आत्मा कहेगी हम तुमको वो दे देंगे। पार्वती जी ने कहा, अगर आप मुझे बहुत प्यार करते हैं तो आप मुझे आज एक वस्तु दी, मैं जो मांगूंगी आप मुझे दोगे। शिव जी ने कहा, मैं वही तुमको दूंगा जो तुम मांगेगी। तब पार्वती जी ने कहा कि मुझे आज भागवत की कथा सुना दीजिए। देखो भगवान शंकर की पत्नी क्या मांगती है, भागवत। हमारी पत्नी क्या मांगती है, एक बनारसी साड़ी ला दीजिए या एक हार बना दीजिए। देखिए भगवान शंकर की पत्नी क्या बोल रही है, भागवत सुनो। तो भगवान शंकर भागवत सुनाने लगे। स्त्रियों की आदत होती है, माँ बहनों की, उनको नींद जल्दी आती है कथा में। फालतू बात करेंगे, रात भर नहीं सोएंगे, लेकिन कथा में एक घंटे में उगने लग जाते हैं। दूसरी बात घर की होगी तो दो तीन दिन तक भी चलेगा। तो पार्वती जी को नींद आने लगी, दो तीन स्कंद की कथा कही। पहले तो हों हों कर रही थी, नारद जी बोले, शिव जी वैकुंठ में जय और विजय नाम की दो द्वारपाल, अर्धरात्रि में चार कुमारों का आगमन हुआ, हूँ अंदर नहीं जाने दिया, हूँ श्राप दे दिया, हूँ तीन जन्म का बैर मांगा, हूँ बाद में सो गई। शंकर जी कथा सुनाते जाते हैं लेकिन जो हूँ हूँ की आवाज है वो बंद नहीं होती। इतने में 12 स्कंद की कथा पूरी हो गई और पार्वती जी की नींद टूटी। कहा, महादेव जी आगे की कथा शुरू करिए। शंकर जी ने कहा, कौन सी आगे की कथा, पूरी कथा तो सुना दी तुमको। पार्वती जी ने कहा, मैंने सिर्फ तीसरे या चौथे स्कंद तक कथा सुनी है। और तो हूं कौन कर रहा था, कुटिया के बाहर जाके देखा तो भगवान शंकर के मुख से भागवत की कथा सुनने की वजह से उस फूटे हुए अंडे में प्राणों का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें प्राण जग गए और पक्षी बन गया और पक्षी वो हुंकार भर रहा है। जब पार्वती सो, एक अनाधिकारी ने मेरी कथा सुन ली, इसका दुरुपयोग न करे, इसलिए लीला रूप में भगवान शंकर उस पक्षी को पकड़ने के लिए दौड़े और पक्षी उड़ गया। अंबरनाथ से उड़ के सीधे बद्रीनाथ चला गया, बद्रीनाथ से माणा चला गया। माणा में वेदव्यास की कुपा के बाहर वेदव्यास की पत्नी बीती का जमाई ले रही थी और अपनी प्राण रक्षा के लिए वो पक्षी बीतिका के मुंह में गया, मुंह से सीधे पेट में चला गया। और 16 साल तक उन कथाओं का चिंतन किया जो अंबरनाथ ने भगवान शंकर के मुख से सुनी थी। माता गर्भ नरक होता है, गर्भवास संबंध दुखम, न भूतो न भविष्यति, भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को कहते हैं। ऐसे नरक में सुखदेव गोस्वामी 16 साल कैसे रहे? इसका उत्तर क्या है कि जो भक्त, जो जीव भगवान की कथाओं का चिंतन करता है उसको नरक में भी वैकुंठ ही स्वर्ग दिखाई देता है, वैकुंठ या गोलोक वृंदावन दिखाई देता है। इसे सुखदेव गोस्वामी के लिए माँ का गर्भ नरक नहीं है क्योंकि लीलाओं का चिंतन करते हैं। इतने वेद व्यास जी बड़े चिंतित हुए, अरे हमारा बेटा पैदा नहीं होता, 16 साल हो गए, कहीं कहीं वर्णन है कि 12 वर्षीय हैं, कहीं 16 वर्षीय। तो वेद व्यास जी ने कहा, अरे बेटा बाहर आओ। तो सुखदेव गोस्वामी अंदर से जवाब देते हैं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? भगवान की माया पकड़ देती है। कैसे पकड़ देती है? जब जीव अपनी माँ के गर्भ में रहता है कैसे पैदा होता है? हाथ बच्चे पैदा होते देखा, इसका मतलब क्या, गर्भ में बहुत दुख पाता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बाहर निकालो, रात दिन याचना करता है, बाहर निकालो, बाहर जाके तुरंत आपका भजन करूंगा। और जैसे ही पैदा हुआ छोड़ दिया।
इसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं वो बच्चे की तरह होना नहीं चाहता। ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये मुझे पकड़ लेगी। व्यासदेव जी ने कहा भगवान की माया तुमको नहीं पकड़ेगी, मैं बोलता हूं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा तुम खुद ही माया में हो, जो अपनी पत्नी के गर्भ से चाहता है कि मेरा बेटा जल्दी हो माया में नहीं, इससे मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करता। हाँ, अगर मायाधिपति आके कह देंगे कि मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी तब मैं बाहर आ जाऊंगा। तब व्यासदेव जी ने भगवान कृष्ण का चिंतन किया, कृष्ण प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी से कहा हे सुखदेव बाहर आ जाओ, मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी। तुरंत बाहर आ गए और पैदा होते ही चलने लगे, क्योंकि 16 वर्षीय है। तब शुद्ध गोस्वामी प्रथम स्कंद में वंदना है, यं प्रभजन्त मनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयितया तर्वो अभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। व्यासदेव जी पीछे पीछे से जा रहे हैं, अरे बेटा रुको रुको, जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तो जब आप कहीं पहाड़ी में जाए जंगल में, विशेषकर जब आप बॉम्बे जाते हैं तो रास्ते में कई जगह है ना, क्या है लोनावाला, ये सब पहाड़ी जगह है। तो आप किसी को पुकारिए तो पहाड़ से आवाज टकरा के आती है, जैसा आप बोलेंगे उधर से भी ऐसी आवाज आती है। तो व्यासदेव जी जो प्रश्न करते हैं उनका उत्तर कौन देता है, अभी लताएं वृक्ष पहाड़ आवाज टकरा के वापस आती है। पुत्र 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 मतलब क्या, तुम हमको पुत्र पुत्र कहते हो, एक जन्म में तुम्हारा पुत्र हो गया पुत्र पुत्र कहते हो, तुम कितने जन्म में हमारे पुत्र हो गए। आवाज टकराती है, तर्व अभिनेदु तंग सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। अब सब ऋषि मुनियों ने परीक्षित महाराज से कहा, जब सब ऋषि मुनियों को पता लगा कि परीक्षित महाराज को एक ऋषि बालक ने श्राप दे दिया, तो सब ऋषि मुनियों ने कहा परीक्षित महाराज से, तुम सुखदेव गोस्वामी को कहो कि कथा सुनाए। वर्णन तो यह है कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी का चिंतन किया और उनकी समाधि भंग हो गई वहां, और उस समाधि में भगवान उनको कह रहे हैं तुम जल्दी परीक्षित महाराज के पास जाओ, उनको कथा सुनाओ। लेकिन एक श्लोक ये भी है, कल बताऊंगा, कि सुखदेव गोस्वामी एक जगह ठहरते नहीं, रोज 5 घरों में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। एक घर में उतनी देर रुकते, किसी गृहिणी ने देख लिया दे दिया ले लिया, 5 मिनट हो गए अगला घर, ऐसे 5 घरों में रोज जाते हैं, मिल गया ठीक है नहीं तो जंगल में चले जाते। अब जो महापुरुष एक घर में 5 मिनट नहीं रुकता वो 7 दिन रुकेगा कथा सुनाने के लिए। तब ऋषि मुनियों ने कहा परीक्षित महाराज से, आप सुखदेव गोस्वामी की स्तुति करो, उनकी वंदना करो, अगर वो प्रसन्न हो गए तो वो कथा सुनाने के लिए तैयार हो। तब परीक्षित महाराज स्तुति करते हैं सुखदेव गोस्वामी की, तो स्तुति याद गा लेते हैं और प्रसंग फिर कल से कहेंगे, क्योंकि अभी समय का भी अभाव है। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, बैठे थे सन में, हम घूम रहे थे वन में, बल को
हरि कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले तुमको नाम प्रणाम तुमको नाम हरि कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले तुमको नाम प्रणाम तुमको नाम हम की कर जिसका प्याला जा रहे थे यम के जाला प्याला जा रहे थे यम के जाला लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के जाला लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के जाला रस पान कराने वाले रस पान कराने वाले रसपान कराने वाले रसपान कराने वाले हरि कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे हम पार तेरा क्या पावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे हरि दर्श कराने वाले प्रभु दर्श कराने वाले तुम कुला हरि दर्श कराने वाले प्रभु दर्श कराने वाले हरि कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले नाम सुनाने वाले बोले सुखदेव गोस्वामी पाद की कृष्ण कन्हैया लाल की प्रसन्न हो गए और व्यास आसन पर बैठे। अभी भागवत कथा शुरू होती है। अब भागवत कथा कब शुरू होती है? जब सुखदेव गोस्वामी व्यास आसन पर बैठ जाए। अभी तक क्या चल रही थी? श्री भागवत की भूमिका चल रही थी। अभी कल से असली भागवत शुरू हो, अब आज से कल से सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनाएंगे परिचित महाराज। तो हमारे बीच हमारे राधेश्याम प्रभु पधारे हैं, तो मैं माता जी से विनती करूंगा कि उनको आप मंच पर स्वागत कीजिए और दो शब्द संदेश भगवान का संदेश हमको बताएं। ये आग्रह मैं श्री प्रभु जी से करता हूँ। हरे तो उसके बाद हरिनाम संकीर्तन फिर आरती प्रसाद। टाइम ज्यादा नहीं हुआ, 9 बजा है। किसी घड़ी में ज्यादा टाइम हो गया तो आधा घंटा पीछे। मेरा था ये जन्म के बाद ना हो ऐसा लगता है। क्या अनुभव है आप लोगों को, क्या लगता है जब प्रभु जी कथा सुनाते हैं तो? बोलिए सभी लोग, अच्छा लगता है?
भक्तों को तो अच्छा ही लगता है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि उनका क्या अनुभव है जब प्रभु जी कथा सुना रहे थे भी? बहुत ही बहुत धन्यवाद प्रभु जी का दूंगी मैं, साथ ही साथ जो हमारे टेंपल के प्रेसिडेंट हैं राधे श्याम प्रभु जी, उन्होंने हमको इस कथा में